गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज कोता वालन में हमारा फर्स्ट डे है। अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग घूमने निकल गए हैं। कोताव आइलैंड थाईलैंड का वन ऑफ द फेमस आइलैंड है। यहाँ पर बहुत अमेजिंग बीचेस है। आज मॉर्निंग में ऐसे ही घूमने निकल गए थे हम लोग। यह है कोताव आइलैंड एंड यहाँ पर है फेमस तो जब हम यहाँ पर आए थे पहले हमने एक ट्रेन लिया था, फिर एक बोट लिया था। तो जो बोट है उसका इन्होंने अराउंड 650 बाट चार्ज किया था, जो कि इंडियन करेंसी में 1600-1700 रुपये हो जाते हैं। एंड यहाँ से हमें नेक्स्ट कोसमी आइलैंड जाना है, वहाँ का भी अराउंड 600 बाट के लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कहीं पर भी पहुँचने के लिए किसी भी आइलैंड पहुँचने में काफ़ी खर्चा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर है सारी चीज़ें ना, मतलब कैफेज़ वगैरह हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये जो आइलैंड है स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है, स्कूबा डाइविंग, फ्री डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर हर तरह आपको स्कूबा डाइविंग के स्कूल मिल जाएंगे, स्नॉर्कलिंग ट्रिप्स, डाइविंग टिप्स। अभी हम लोग स्विमिंग करने आ गए हैं बीच के पास। थोड़ी देर स्विमिंग करके फिर बाकी कहीं घूमने जाएंगे। अभी हैं हम लोग कोताव में स्विमिंग करते हुए और यहाँ पर बीचेस काफ़ी मतलब काफ़ी क्लियर है, क्लियर पानी है, ब्लू। फर्दर स्विमिंग करने के बाद वापस जा रहे हैं अपने होटल और वहाँ जाके थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद रेस्ट करके शाम को फिर घूमने निकलेंगे। आज अभी हम फिर से स्विमिंग करने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कैसा होता है। आज हमने मनभर के सी में स्विमिंग किया एंड अभी लोकल मार्केट में डिनर करने जा रहे हैं। अभी हम लोग डिनर करने निकले थे, यहाँ पर एक काफ़ी फेमस जगह है बट उसमें हमेशा लाइन रहती है पूरी। ये मतलब काफ़ी बड़ी लाइन है, हमेशा इवनिंग में लाइन रहती है। तो अभी हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर भी लाइन रहती है वैसे तो। वेजिटेबल फ्राइड राइस, ये है चिकन बेजिल एंड राइस विद एग। अभी देखते कैसा है। मैंने ऑर्डर किया था वेजिटेबल फ्राइड राइस, कैसा है? तो टेस्ट तो ठीक है पर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सॉल्ट पेपर डालने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज ऐसे कुछ फिश चिकन का स्मेल वगैरह नहीं आ रहा, तो खा सकते हैं। इट्स गुड। बेसिल का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, राइस तो प्लेन ही है बट अच्छे से कुछ बना रखा है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों,
आज हम लोग जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग ट्रिप पे। यहाँ से डे ट्रिप है अराउंड 5-6 घंटे का। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रिप। सो अभी हम यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक तो बड़ी बोट में जा सकते हो जिसमें 30-40 लोग जाते हैं, एंड इस वाले में छोटी बोट में जाओगे तो कम लोग के साथ जा सकते हो। वैसे अभी ऐसे शाम को घूमने निकले, 3-4 दिन से हम यहीं पर ही है कोसमुई को गाँव में। कल हम लोग कोसमुई जाने वाले हैं, कल मॉर्निंग वॉक करिए। तो यहाँ पर अभी रिलैक्स कर रहा सब कुछ, क्योंकि स्नॉर्कलिंग के लिए भी गए थे। तो आज मैंने मंगाया है श्रिम्प टॉम यम राइस। मैं ऐसे कोताव स्ट्रीट्स हैं, काफ़ी अच्छी वाइब्स है। इस आइलैंड में हम लोगों ने 5 दिन स्पेंड किए हैं एंड हमें काफ़ी मज़ा आया है। हम लोग स्नॉर्कलिंग ट्रिप पे भी गए थे एंड काफ़ी रिलैक्स ट्रिप था हमारा ये कोताव का। अभी मैं यहाँ पर एक कोकोनट स्पूंदी लेने आया हूँ, वो काफ़ी टेस्टी होता है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो